रमज़ान में सदक़तुल्फ़ितर अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पर जो बात मैंने अर्ज़ करनी है वो समझें। सदक़तुल्फ़ितर अदा होता है गंदम से, ऐसे ही है, जौ से और खजूर से और किशमिश से। गंदम, जौ, खजूर और बस। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसमें तीन किस्म के आदमियों का ख़्याल किया गया है। एक वो आदमी जिसकी माली हालत साहिब निसाब है लेकिन बहुत कमज़ोर है, वो गंदम के पैसों का या गंदम का वो अदा कर दे। और जो थोड़ा सा मालदार है वो गंदम की बजाय खजूर का सदक़तुल्फ़ितर अदा करे, और जिसको अल्लाह ने मज़ीद दौलत दी है वो खजूर नहीं, वो किशमिश का सदक़तुल्फ़ितर अदा करे। अब अल्लाह ने दौलत करोड़ रुपये की दी हो और 100 रुपये के हिसाब से गंदम के सदक़तुल्फ़ितर अदा करे, यह मुसलमान की शान के लायक नहीं। मेरी गुजारिश समझ आ रही है? आम आदमी खजूर, गंदम और जो वाला या उसके पैसे दे दे, और जिसको अल्लाह मज़ीद वसत दे खजूरें या खजूरों का पैसे दे दे, और अल्लाह मज़ीद वसत अता फरमाए तो फिर किशमिश दे या किशमिश के पैसे दे। जिस तरह अल्लाह दौलत देते हैं इसी तरह आदमी को सदक़तुल्फ़ितर में अहतमाम करना चाहिए। और इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने कई बार सुना है कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा और पहले 10 दिन ये रहमत के हैं, और दूसरा अशरा और दूसरे 10 दिन ये मगफरत के हैं, और तीसरा अशरा तीसरे 10 दिन ये जहन्नम से आज़ादी के हैं। इसका आसान सा मतलब ये है, आम सा मतलब, कि लोग दो तीन किस्म के हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो नेक हैं, गुनाहों से बचने का अहतमाम करते हैं, छोटा मोटा गुनाह हो जाए तो तौबा करते हैं, उनके लिए पहला अशरा रहमत का है। वहाँ तो माफ़ी का माना ही नहीं है ना। पहला अशरा शुरू से रहमत, शुरू से इकराम, शुरू से बरकतें, शुरू से नवाजशात। और वो लोग जो गुनाह भी करते हैं नेकियाँ भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं नेकियाँ भी करते हैं, वो पहला अशरा तो गिड़गिड़ाने में लगा देंगे तो दूसरे अशरे से उनकी माफ़ियों के दरवाज़े खुल जाएंगे, मगफरतें शुरू होगी। और बाज़ जो नेकी के नाम से भिदकते हैं और हमेशा गुनाह के आदी हैं, उनके लिए फिर तीसरे अशरे में अल्लाह जहन्नम से आज़ादी का ऐलान फरमा देते हैं। तीन किस्म के आदमियों के मुनासबत से ये तीन अशरों में रमज़ान को तकसीम कर दिया गया। बस हम पहले ही तौबा कर लें ताकि रमज़ान का पहला अशरा हमारी रहमत साबित हो, और दूसरा अशरा मज़ीद रहमत, और तीसरा अशरा मज़ीद रहमत हो। अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाए, अल्लाह रहमतें हमें खूब अता फ़रमाए, और अल्लाह अपने करम से इबादत की तौफीक अता फ़रमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا।